ये रिश्ता क्या कहलाता है। अक्षु कल तीज है, हम तेरा सामान लेके आए हैं बाहर गाड़ी में। अगर तू कहे तो मैं मंजरी जी से बात करके उसे अंदर मंगवा दूं। कल हॉस्पिटल में मैंने इसके बारे में बात तो की थी। हाँ मुझे याद है, और अगर नहीं भी बात हुई होती ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। दूसरा कोई मनाए ना मनाए, लेकिन अगर मेरा मन है ना तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। अभी और माँ का पूरा सपोर्ट है। अक्षु पक्का ना, कोई मुश्किल तो नहीं होगी ना? कोई मुश्किल नहीं होगी, आप सामान भिजवाइए मैं देखती हूँ। एक और बात का ध्यान रखना, त्योहार ना जीवन में खुशियां बढ़ाने आती है, और ये खुशियां तभी बढ़ती है जब आपस में प्यार होता है। तेरी और अभिमन्यु की ये पहली तीज है अक्षु, तो दोनों को मिलके इसे यादगार बनाना है, समझी? अब वैसे कल तू व्रत तो रखेगी ना? रखना ही पड़ेगा, अब शादी की है तो तीज क्या सारे व्रत रखना। मैं तो इन सारी बातों में भूल ही गई थी, अक्षु की पहली तीज है। जल्दी से सारी तैयारियां कर लेती हूँ। खुद तो मैं इतने साल बाद। सब तैयार हो गया, अब शुरू करते हैं। ऐसे अकेले अकेले खाने में कितना अजीब लगेगा, पूछती भी किससे? तुम्हें शर्म नहीं आती? अकेले अकेले खाना खाने जा रही थी बिना अपने हस्बैंड के, ऐसी वाइफ हो यार तुम। तुम क्या कर रहे हो, ये हमारा बेडरूम नहीं है। तो यहाँ कोई और है भी तो नहीं, क्या फर्क पड़ता है? मुझे खाना खाना। अरे मुझे भी तो खिलाओ, क्या माल आया है मेरे ससुराल से मेरे लिए बताओ? तुम्हारे लिए। तुमने व्रत रखा है? नहीं मैं व्रत नहीं रखता, इनफैक्ट जब व्रत रखने की बारी आती है तो 15 किलो ज्यादा खाना खाता है। अक्षु। हाँ माँ। अरे अभी अक्षु, तुम दोनों सुबह सुबह। माँ किस तरफ से आ रही है, माँ का कमरा तो इस तरफ है। जी माँ, वो तीज की सरगी खानी थी ना इसीलिए। माँ ने भी व्रत रखा होगा क्या? क्या क्या कर रहे हो तुम दोनों सुबह सुबह? वो अक्षु उठ के आई तो मेरी भी नींद खुल गई तो मैं। अच्छा ठीक है, मैं चाय रख देती हूँ। अक्षु को भरपेट खाने के बाद दवाई लेनी होगी ना, फिर तो पूरा दिन खा भी नहीं पाएगी वो। मैं अभी आई। हाँ क्या अक्षु अक्षु हो रहा है, अभी की तो किसी को कोई परवाह ही नहीं है। अरे जो इतना सारा खाना अक्षु के मायके से मेरे ससुराल से आया है वो अकेले कैसे खाएगी, उसकी हेल्प करनी पड़ेगी ना। मैं तो कर रहा हूँ, आप चाहें तो आप भी कर सकते हैं। माँ आपने भी व्रत रखा है? गुड मॉर्निंग, हाउ इज एवरीथिंग, सब ठीक है ना? अभी सब कंट्रोल में। काफी काम हो गया एक्चुअली, सब लोग आ गए थे ना तो बहुत मदद हो गई। शेफाली भी अपने ऑफिस से हॉस्पिटल ही आ गई, सो वी हैड एन एक्स्ट्रा हेल्पिंग हैंड। मैं ही नहीं आ पाया, आई एम सो सॉरी मैम। अरे यू डोंट हैव टू बी, जो कल तुमने किया ना वो कोई और नहीं कर सकता, इसलिए प्लीज डोंट बी सॉरी। ओके माँ, बहुत भूख लग रही है, नाश्ता रेडी है? अरे ये नाश्ता तो नहीं है, पर तीज का बहुत सारा खाना आया है घर से। अक्षरा तुम व्रत रख रही हो, थोड़ा तो समझदारी से काम लिया करो ना, अभी तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी, दवाई खानी है तो फिर कैसे? खाते ही ले लूंगी। और दिन में अगर तबीयत खराब होगी तो? मैं कोशिश करूंगी कि ना हो ताऊ जी, पर अगर ऐसा लगा कि मैनेज नहीं हो पा रहा है तो फिर नहीं रखूंगी। अरे पर ऐसे रिस्क लेने की जरूरत ही क्या है, ये सब त्योहार तो पूरा साल ही चलते रहते हैं ना। तीज एक सिर्फ त्योहार नहीं है, एक इमोशन है ताई जी। अक्षरा प्लीज। नहीं ताई जी आप समझ नहीं रही है, मैं सच कह रही हूँ, जब आप दिल से कोई चीज करना चाहते हैं ना, आपकी विल पावर अपने आप स्ट्रांग हो जाती है, फिर कोई भी चीज ना मुश्किल नहीं लगती। पर ऐसे बिना वजह विल पावर को आजमाने की जरूरत ही क्या है, व्हाट्स द पॉइंट? मेरा मन है,
अभी के लिए करने का। And Abhimanyu, you are okay with this? ताई जी, अक्षु का डिसीजन है मैं। अभी ने ना मुझे फोर्स किया है, ना मना किया है। ये मैं अपनी खुशी के लिए करना चाहती हूँ। और जिस चीज से खुशी मिले वो तो करनी चाहिए ना। और आप सब टेंशन मत लीजिए, अभी है ना मेरे साथ। आइए ना, चलिए आप सब भी फलाहारी कीजिए, बहुत यम्मी चीजें होती है इसमें। जिसका व्रत नहीं है वो भी खा सकता है ये। हाँ हाँ, सभी खा सकते हैं, आ जाओ। चलिए आइए। वैसे अगर कभी तुम्हारा मन करे व्रत रखने का तो मैं भी ना कभी तुम्हें फोर्स करूंगा ना मना करूंगा। आज भी हमेशा की तरह व्रत रखने वाली। चाय मिलेगी क्या मुझे? और हाँ, ये तीज का खाना जो है देखना उसमें मीठा और तेल ज्यादा ना हो। व्रत के खाने के नाम पर मुझे बीमारियां इनवाइट करने का शौक नहीं है। ये रिश्ता क्या कहलाता है।